गुड इवनिंग टू ऑल वेरी गुड इवनिंग बच्चों कैसे हैं आप लोग हाउ यू होप यू आर वेल तो क्लास ऑडिबल है विजिबल है मुझे बताइए आप लोग जी बिल्कुल ऑडिबल है विजिबल भी है याशविन अर्चना मीनू आरूज श्वेता राखी वेरी गुड इवनिंग बच्चों तो आज की क्लास हमारी इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल अब आप ये कहेंगे कि सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि क्लास फ्रूटफुल होने जा रही है सो so, गाइज उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम जैसा भी बिलीव करते हैं वैसा हो जाता है यानी अगर हम सोचेंगे कि कि क्लास मजेदार नहीं होगी तो ऑब्वियसली नहीं होगी लेकिन अगर हम इस चीज को सोच के चलें कि हाँ ये मजेदार होनी है और होगी ही तो हंड्रेड परसेंट ऐसा ही हैपन होगा यानी वट एवर वी थिंक वट एवर वी इमेजिन दैट राइट बच्चों तो चलो इसी बिलीव के साथ में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपके आज के इस सेशन को तो मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के हमने कुछ वर्क ऑलरेडी कर लिए हैं यानी कि कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम देखते हैं देखो जहां तक मुझे याद है कि हमने लास्ट क्लास में इसमें काफी सारे क्वेश्चन अपन वी है ना अप टू दिस पॉइंट सो ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे तो फ्रेंकस्टीन इज अ नॉवेल रिटन बाई इट वॉज मैरी शैली तो आंसर यहां पे हमारा क्या बनता है एंड आंसर वॉज एयर द सेकेंड वन मैरी शैली आंसर यहां पे था याद आ रहा है सब बच्चों को अब इसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सभी बच्चे जवाब देते चलेंगे जी बहुत अच्छे बच्चों मीनू अर्चना नेहा लेट्स डू विद मी ऑल गर्ल्स आर प्रेजेंट व्हाट इज दिस ठीक है बच्चों जी हेलो याशविन राखी तो सभी बच्चे पहुंच चुके हैं दैट्स ग्रेट ओके फैजिन तो इसमें क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है अर्चना ने आंसर भी कर दिया दैट्स ग्रेट इज द बोस ऑफ अ क्रिमिनल गैंग ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन ओलिवर ट्विस्ट तो सबसे पहली बात है बच्चों अगर हम ऑलिवर्ड ट्विस्ट की बात करें इट्स अ वर्क बाई इट्स अ वर्क इट्स अ नोवेल बाय ये नोवेल किसका है चार्ल्स डिकेंस का नोवेल बाय चार्ल्स डिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है डाउन डाउन टू अर्थ डाउन ट्रोडन पीपल के लिए लिखते थे है ना अब ये कहता है कि इसमें बोस कौन है क्रिमिनल गैंग का तो बच्चों आपको आंसर देना है फेजिन मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है बहुत अच्छे तो ये बिल्कुल सही है इट इज फेजिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है है ना तो फेजिन इज द बोस ऑफ द क्रिमिनल गैंग ऑफ यंग बॉयज यानी ये सारे के सारे कैसे हैं जुवेनाइल पिक हैं उसी में ये भी चला जाता है कौन मिस्टर ओलिवर ट्वेस्ट जबकि शुरू में वो अनाथ होता है क्लास में नहीं कराया था और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी अच्छा कोई बात नहीं है अर्चना जो हैं उनको खुद कर लेंगे है ना या फिर आगे पीछे उनको करवा देंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देखते हैं कहता है द नोवेल विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल फॉलोज अ क्लासिकल ट्राइपार्टी स्ट्रक्चर एंटाइटल सोविंग सॉविंग एंड गार्निंग तो कौन सा इनमें ऐसा नोवेल है तो भाई सीधी सी बात अगर मैं इसको देखूं हार्ड टाइम्स है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है ब्लीक हाउस क्रिसमस के रूप ये भी सारे किसके हैं हमारे डिकेंस के तो ये भी बच्चों डिकेंस के हैं तो रोल ये, रूल ये कहता है कि किस में आता है शॉइंग रीपिंग एंड गार्डनरिंग वेरी गुड अर्चना आरूज बिल्कुल सही जा रहे हैं आपके आंसर ये बिल्कुल हेल्प करेगा लेट इस डू विद मी बिल्कुल करेगा हंड्रेड परसेंट करेगा ये अश्विन बहुत अच्छे बच्चों ये हमारा हार्ड टाइम्स है इट इज हार्ड टाइम्स तो हार्ड टाइम्स में हार्ड टाइम की जो स्ट्रक्चर है वो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करती है सॉइंग रीपिंग एंड गार्डनरिंग राइट बच्चों और इसका मतलब क्या हुआ आप तीनों को देखो आप सोइंग का मीन्स है बोना जैसे हम किसी चीज को बोते हैं गेहूं बोते हैं कुछ भी रीपिंग रीपिंग का मीनस है उसे रीप करना काटना और गार्डनरिंग का मीन गार्नर करना ये तीनों ही वर्ड बच्चों कैसे हैं तीनों ही टर्म कैसी हैं किससे जुड़ी हुई हैं हमारे कल्टीवेशन से है ना एग्रीकल सॉरी एग्रीकल्चर से तो ये बच्चों एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई टर्म है तीनों है ना तो इसका मतलब एग्रीकल्चर यहां तक किससे जुड़ी गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन से किससे इंडस्ट्रियलाइजेशन से तो मेन जो फोकस है वो डिकेंस का किस पे है बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और वो एग्रीकल्चर के थ्रू इसको शो करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन ऑफ ये किसकी सोनेट है बच्चों व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट तो सब बच्चे बताएंगे ये पर्टिकुलर हमारी पोएम किस राइटर की है मिल्टन की एक्सैक्टली exactly श्वेता बिल्कुल ठीक है राधा तो ये हमारे हैं जोन मिल्टन तो जोन मिल्टन ने ये लाइन uh, हमें दी थी व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ लाइव इट इज वन ऑफ द सोनेट सोनेट नंबर फोर्टीन एक्जैक्टली अर्चना बिल्कुल ठीक है अश्विन मीनू अर्चना गौरव बहुत अच्छी करेक्ट हा ओन हिज ब्लाइंडनेस इसकी शुरुआत इसी होती है, life, अगले को देखते है 49. यह मैं आपको बता दूं बच्चों टेन लेक्चर्स की सीरीज है हाउ मेनी टेन लेक्चर्स की सीरीज लिटिल हाउस वाइफ के लिए तो क्वेश्चन बना कि किसका कौन सा वर्क है क्राउन ऑफ वाइल्डो लाइफ ट्रैफिक एंड वॉर सीजन एंड लिलीज या फिर एथिक्स ऑफ द डस्ट मुझे समझ नहीं आ रही ग्रामर नहीं है नहीं नहीं बेटा ये ये लिटरेचर के क्वेश्चन हैं कुछ ग्रामर है इसमें कुछ लिटरेचर है दोनों का मिक्स है राइट right, बच्चों ये आपका डी बनेगा एथिक्स ऑफ द डस्ट और ये किसका है इट वॉज रिटन बाई रस्किन जोन रस्किन तो ये रस्किन का वर्क है एथिक्स ऑफ द डस्ट इज ये क्या है ये टेन लेक्चर्स की सीरीज है लिटिल हाउस के लिए पकड़ पा रहे हैं सब बच्चे वेरी नाइस nice बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ देखो फिफ्टी कितना अच्छा क्वेश्चन है कहता है सेवन लैम्प ऑफ आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द फेमस वर्क्स बाय तो ये वर्क किसका है सेवन लैम्प ऑफ आर्किटेक्चर ये किसका वर्क आपको मिलेगा टेनिशन का मिल्टन का रस्किन का या फिर आर्नोल्ड का एग्जैक्टली exactly अगेन ये बच्चों रस्किन का है बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप लोग इट इज जॉन रस्किन हु हैड रिटन सेवन लैम्स ऑफ आर्किटेक्चर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51 पे और 51 कहता है द डॉक्टर्स डिलेमा इज अ फेमस वर्क बाय ये किसका वर्क है डॉक्टर्स डिलेमा जीबी शो का ए हाउसमैन का एल ऑल्टर्ड नॉइज का या फिर जॉन मेस फील्ड का ओके बहुत अच्छे बच्चों मे बी रस्किन रस्किन तो अच्छा अच्छा ठीक है आप फिफ्टी का आंसर कर रहे हैं ठीक है आश्विन ओके बिल्कुल सही बच्चों ये आंसर बनेगा हमारा जीबी शो जोर्ज बर्नार्ड शो एग्जैक्टली एक मजेदार बात देखेंगे जीबी शो वो पर्सन थे जिनको ऑस्कर भी मिला था मैं बार बार बताता हूं सब बच्चों को और बच्चों इनको नोबेल भी मिला था है ना ऑस्कर किसके लिए मिला था इनको पिग्मेलियन के लिए क्योंकि ये कई सारी मूवीज के लिए यूज किया गया था और नोबेल अपने लिटरेचर के लिए इनको मिला था तो जीबी शो इस तरह के एकमात्र पर्सन है आईफोन लिटरेरी टर्म्स भी दी हैं हाँ ये भी दी हैं बिल्कुल राधा आगे बढ़े बच्चों अगला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये शेक्सपियर का क्वेश्चन है पूछा है कैप्टन कैप्टन उसको बचा लेता है दिस इज द ओपनिंग पार्ट ऑफ विच प्ले बाई शेक्सपियर तो इससे इसका मतलब कि को आपको देखना है सीधा तो क्या ये एजुलाइक like है टॉन पोस्ट है रिचार्ज सेकेंड है या फिर बच्चों ट्वेल्थ नाइट है एग्जैक्टली इट इज ट्वेल्थ नाइट बहुत अच्छे बच्चों अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये लाइन कहां से स्टार्ट होती है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन तो बच्चों बताओ ये लाइन ये ओपनिंग लाइन किसकी है ये हमें किसकी ओपनिंग लाइन मिलती है म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले बहुत अच्छे राधा अंकिता दिव्या याशमिन अर्चना रिचा मीनू श्वेता आरूज, बहुत अच्छे ये भी बच्चों ट्वेल्थ नाइट नहीं कि ट्वेल्थ नाइट में ओरसिनो जो किसके लव में पागल है ओरसिनो का मीन ओलि के लव में पागल है ओ ओ है दोनों है ना तो ओलि के लव में पागल होके ओरसिनो ही इस लाइन को कहता है म्यूजिक विद फूड ऑफ लव प्ले ऑन बहुत अच्छे बच्चों क्वेश्चन नंबर पे आते हैं और देखो एंजॉय करो हम जितने भी दस पंद्रह सेशन में हैं इसको एंजॉय करके चलना है मैं भी आपके साथ एंजॉय कर रहा हूं इसको करते हुए आप भी एंजॉय करो हु इज द डॉटर ऑफ शाइलोग शाइलोक की डॉटर कौन है किस वर्क में मर्चेंट ऑफ वेनिस ये क्या था बच्चों ट्रेजी कॉमेडी किसकी थी शेक्सपियर की जेसिका एक्जैक्टली बच्चों इट वॉज जेसिका तो जेसिका किसकी बेटी थी शाई की शाईलोक एक खतरनाक मनी लेंडर था और जेसिका बेसिकली कौन था ज्यू लेकिन ये शादी किससे कर लेती है भाग जाती है किसके साथ में एक क्रिश्चियन के साथ में एंड दैट कोज इज द होल ब्रॉल यहाँ पे पूरा जो ब्रॉल होता है पूरा झगड़ा जो होता है वो इसी बात का था कि ये जो ज्यू है शाईलोक ये फिर इन क्रिश्चियन से बदला लेता है यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस से बदला लेता है लोरेंजो से शादी कर लेते बिल्कुल सही है और लोरेंजो किसका दोस्त है इसी का मर्चेंट ऑफ वेनिस का यानी एंटोनियो का ये लोरेंजो से भाग के शादी कर लेती लोरेंजो कौन है क्रिश्चियन है तो ये कन्वर्ट करके इसे शादी कर लेता है देख लो मतलब कन्वर्ट वाली कहानी उस समय भी थी कन्वर्ट कह लो या फिर इसे कह दो लव जिहाद ये लव जिहाद बच्चों वहां पे भी था आज भी है आज भी आप देख पा रहे हैं इसको आगे बढ़ते हैं हम 55 पे आते हैं 55 कहते हैं इन विच इन विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेज द फॉलोइंग लाइन अपियर क्या है लाइन ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नोट अंकिंग एज मेन्स इन ग्रेटिट्यूड तो ये किसमें ऑल इज वेल में एज यू लाइक इट में एंटेनियन like क्ले में या फिर बच्चों किंग लियर में एग्जैक्टली रिचा राधा मीनू बिल्कुल सही बात है ये एज यू लाइक इट में है बहुत अच्छे तो ये एज यू लाइक इट में है वेरी नाइस आंसर बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं सब बच्चे सबसे बड़ी बात है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं यही सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन नंबर 56 पे आएंगे फिफ्टी सिक्स कहता है थिएटर देखो क्या कह रहे हैं नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स मतलब शेक्सपियर यहां पे शेयर होल्डर थे भाई ब्लैक फेरियार में भी थे वो थिएटर द थिएटर में भी यूनिवर्स में भी ग्लोब में भी तो शेयर में थे शेयर होल्डर किस में थे वो गौरव ने डी कहा एग्जैक्टली बच्चो इट वॉज ग्लोब ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है तो ये ग्लोब था जिसमें शेक्सपियर शेयर होल्डर थे बहुत अच्छे बच्चों <coughs> तो ग्लोब वॉज दर एन विच शेयर्स सेवन क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कौन सी बुक बच्चों ऐसी है जो शेक्सपियर की सक्सेस बच्चों सोनेट किसको कहेंगे आप अरे वाह रिचा वेरी गुड मीनू अरे वाह आरूज अर्चना ठीक है याशविन गौरव रिचा

बाकी भी उनकी पोएम है लेकिन वो लॉन्ग नहीं है आप देखो इसको छोड़ देते हैं ना इसको अभी नहीं करेंगे बच्चों हम हम आते हैं इस क्वेश्चन पे कहता है यूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन ब्लैंक्स ब्लैंक्स में आपको करेक्ट प्रपोजिशन भरना है ही नेवर सेड और डिड एनीथिंग डेरोगेटरी उसने ना तो कभी कुछ कहा और ना ही कुछ किया क्या कैसा डेरोगेटरी डेरोगेटरी का मीन होता है बच्चों एक तरह से अपमानजनक अपमानजनक तो ना तो अपमानजनक उसने कुछ कहा ना ही किया हिज हाई पोजिशन तो टू हिज हाई पोजिशन फोर विद या फिर बच्चों बाई क्या लगाएंगे आप ठीक है जी बहुत अच्छे तो अगर मैं यहां पे कहूं ही नेवर सेड और डिड एनीथिंग डेरोगेटरी To हिज for हिज by हिज with हिज exactly टू बनेगा derogatory, two होता है बच्चों. derogatory के साथ आप क्या लगाते हैं टू तो derogatory टू हिज high position. टू लगाएंगे आप यहां पे बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर देखो सब लोग हमें कहता है He is quite infatuated. अब आपको पता है बच्चों infatuated क्या होता, Infatu infatuation होता है मतलब एकदम से लव हो जाना तुरंत फुरंत लव यानी किसी के लव में अचानक से पड़ जाएशन होता है ये जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतरता है मान लिया चढ़ गया है किसी ने पकड़ के कूट दिया उतर जाएगा ऐसा इनफेचुएशन तो इसमें क्या आप फोर लगाएंगे टू लगाएंगे एग्जैक्टली exactly यहां भी बच्चों टू आएगा तो ही क्वाइट इनफेचुएटेड टू हर अब इसको देखो यूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक्स आई प्रोमिस मैं प्रोमिस करता हूं आई won't आउट out, गो आउट मे नोट गो आउट कैन cannot गो आउट बताओ बच्चों क्या बनाओगे हमारे क्वेश्चन में क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए यह आपको बताना है ओके गुड श्वेता आरूज राधा ये तो सभी बच्चों ने लेकिन बेटा बच्चों आप ध्यान से तो देखो आप वुड लगा रहे हो वुड तो पास्ट फॉर्म हो गई Would, प्यारे बच्चों फॉर्म यहां पे क्या है प्रोमिस प्रोमिस का मीन प्रेजेंट इंडेफिनेट तो जब ये प्रेजेंट इन तो आप यहां पे वोंट लगाओगे ना है ना वोंट का वो क्या है विल नोट ही तो है जबकि वुड नोट का मीनस है वुडंट का मीन्स है वुड प्लस नोट तो बच्चों ये पास्ट में थोड़ी आपको तो बताया था पिछली क्लास में समझ पा रहे हैं सब लोग हाँ बहुत अच्छे तो इसमें वोंट आएगा ना कि आप वुडन अगर यहां होता आई प्रोमिस्ड आई वुड नॉट गो आउट तब ये सही होता ये अगर पास्ट में है ये भी पास्ट में है ये प्रेजेंट में है तो बच्चों ये भी प्रेजेंट में होगा कर सकते हैं आप इसे ठीक वेरी नाइस nice. अगले क्वेश्चन पे आएंगे सब बच्चे कहता है यू प्रोस्पेरस इन ऑल दैट यू डू है ना ये यहां पे मतलब उसने रोक दिया है इसको तो कितना ये पता नहीं क्या लिख दिया है कैन कैन है सी ए एन कैन यू prosperous? मे यू prosperous? विल यू प्रोस्पेरस या फिर मस्ट यू प्रोस्पेरस बच्चों क्या लगाएंगे आप एग्जैक्टली exactly, श्वेता राधा मीनू बहुत अच्छे करेक्ट फनी आरूज बच्चों सीधी सी बात है यहां पे मे आएगा क्योंकि सेंटेंस आपका कौन सा है ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव बनेगा है ना ऑप्टेटिव में हम क्या करते हैं विश देते हैं गुड विश देते हैं किसी के लिए ग्रीटिंग देते हैं कर्ज देते हैं उस सारी चीजें आपके ऑपरेटिव में आती हैं तो सीधी बात है विश करने के लिए एग्जैक्टली मे यू प्रोस्पेरस इन ऑल दैट यू डू मतलब हर चीज में आप प्रोस्पेरस हो जो भी आप करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर आज सिक्सटी सेवन पे कहता है ही एपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक तो ही विल एपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक माइट मस्ट या फिर नीड बच्चों कौन सा लगाएंगे बहुत ध्यान से लगाना है आपको ओके रिचा मस्ट अब देखो आ यहां पे पहले तीन बिल्कुल सकते हैं ठीक है ठीक है अब देखो जरा अगर मैं ये कहूं नीड ही नीड ये गलत है नीड सोता तो लगता तो इसे छोड़ देंगे अब विल भी आ सकता है माइट भी मस्ट भी अगर मैं ये कहूं बच्चों ही विल अपोलोजाइज मिस्टेक के लिए करेगा तो जरूरत ही नहीं पड़ती माइट इज नॉट करेक्ट क्योंकि माइट का मतलब है बच्चों प्रोबेबिलिटी वो भी बहुत कम जबकि मे में ज्यादा होती है तो ही मस्ट उसे करना चाहिए ही मस्ट अपोलोजाइज उसे माफी मांगनी चाहिए अपनी मिस्टेक के लिए तो आंसर आपका बिल्कुल सी बनेगा हा एग्जैक्टली exactly बच्चों तो इट मस्ट बी मस्ट ये मस्ट आएगा क्या है मस्ट आपकी मॉडल वर्ब 68 देखो क्या कहते हैं नीदर ऑफ द कॉम्बेटेंट्स है, है ना कॉम्बिटेंट समझ लो कुछ भी होगा वट एवर इज देयर नीदर ऑफ द कॉम्बिटेंट एबल टू विन अ विक्ट्री तो आर वर हैव या फिर बच्चों वोज क्या लगाएंगे आप इसमें से वोज लगाएंगे वेरी गुड आपको पता है कि नीदर ऑफ के बाद में बच्चों नाउन तो आता है हमेशा प्लूरल जबकि वर्ब जो आती है बच्चों वो आती है हमेशा सिंगुलर तो देखो तीन आपके सिंगुलर प्लूरल हैं बच्ची कौन सी वाज तो आप सिर्फ यहां पे वोज लगाएंगे तो नीदर ऑफ द कॉम्पटेंट वॉज एबल टू विन विक्ट्री। ये हमारा आंसर बन जाएगा जी बच्चों अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन कहता है ही एंड आई एट ऑक्सफोर्ड टुगेदर तो ही एंड आई वाज़ वर इज एम अब देखो यहां पे खुद ब खुद लगाएंगे आप हमारा आंसर यहां पे क्या होना चाहिए वर बिल्कुल सही आप देखो इसमें यह भी पता कर लेंगे वॉज इज और एम ये तीनों ही सिंगुलर हैं जबकि बच्चों वर ओनली प्लूरल है तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं एक जो अलग है उसको आप चेप दो यहां पे तो ही एंड आई वर एट ऑक्सफोर्ड टुगेदर मतलब ये हमारे तुक्का लगाने के बहुत अच्छे तरीके होते हैं अगर हम तुक्का लगाएं, तो हम इन तरीकों से लगा सकते हैं एग्जैक्टली exactly बच्चों अगले क्वेश्चन पे आएंगे सेवेंटी नंबर पे द शिप वॉज रैक्ड शिप रैक होता है ना मतलब जैसे टूट फूट गया हो एंड एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड ड्राउंड तो बताइए बच्चों द शिप वॉज रैक्ट एंड एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड ड्राउंड तो क्या लगाएंगे आप इसमें वोज ड्राउंड वेरी नाइस दैट्स ग्रेट है ना सॉरी कहां पे वोज ड्राउंड देखो ये रैक्ड है पास अगर मैं कह दू शिप शिप इज रैक्ड एंड एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज ड्राउंड अगर यहां पे रैक्स होता या रैक आ, इज रैक्ट होता भाई इज रैक्ट का मीनस है वॉइस बन जाती है हमारी प्रेजेंट की तो यहाँ पे आप क्या लगाते हैं क्योंकि रेक्ट और वोज है तो आप यहाँ पे वोज ही लगाएंगे और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि कितने भी मेरे सब्जेक्ट हों अगर मैं ऐसे कह दूं एवरी बॉय एंड गर्ल या एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल या एवरी बॉय एंड ईच गर्ल या ईच बॉय एंड ईच गर्ल तो बच्चों वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आनी है सिंगुलर वर्ब हमेशा साथ में तो इसी तरह से एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वोज ड्राउंड तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे बट आप देख सकते हैं ये भी है, ये भी भी सिंगुलर है कैसे लगाएंगे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान यहां पे रखना है राइट बच्चों हा करेक्ट बात है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन को देखेंगे अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है वो कहता है कि यहां पे जो अंडरलाइंड वर्ड हैं, बहुत ध्यान से बताएंगे अंडरलाइन जो वर्ड है वो है क्या जैसे यहां पे सच है बच्चों ये क्या है डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्वांटिटी या फिर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है क्या कहेंगे आप <laughs> हाँ ये मैं भी देख रहा हूं बिल्कुल अर्चना सिक्सटी नाइन ट्रिपल एक्स फन फ्री वार्ट गर्ल्स चैट मैं आपको बताता हूं जब मैं आ, मतलब ये बात है टू थाउजेंड सिक्स सेवन एट के अराउंड की जब एम टी एन एल चलता था दिल्ली में अब तो आई थिंक नहीं है तो उसमें मैसेज आते थे एम टी एन एल पे और मैसेज क्या क्या आते थे उसमें आता था कि माई नेम इज रिया माई नेम इज पिंकी ऐसे ऐसे करके आते थे और मुझसे खट्टी मीठी बातें करें या रंगीन बातें करें कुछ इस तरह से आते थे मैं सोचता था ये रिया क्यों कहती है मुझे या फिर ये लड़की क्यों कहती है कि मुझसे रात को खट्टी मिठी बातें करें तो बड़ी प्रॉब्लम थी एक बार मैंने अपने बराबर वाले से जिक्र किया भाई ये ऐसे ऐसे मतलब मैसेज आते हैं तो उन्होंने बताया अरे बिल्कुल मत करना उसमें दस रुपये पर मिनट के लग जाते हैं मैंने कहा माई गोड तो इसका मतलब वो कर चुके थे अब ये भी चीजें बच्चों ऐसी ही हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ये सब ऐसा ही है आपको पढ़ने से हटाने के लिए बीच में अलग अलग चीजें आ रही हैं तो चलो बच्चों आगे बढ़ते तो सच यहां पे अब आप देखो सच किसके पहले आया है सच आया है बेसिकली क्वेश्चंस के पहले और क्वेश्चन क्या है यहां पे नाउन अच्छा नेट रुक गया था चलो कोई बात नहीं है तो इसमें देखते हैं सच क्वेश्चंस में बच्चों सच जो है ये डेमोनिस्ट्रेट कर रहा है इसको है ना मैक्सिमम बच्चों ने आंसर भी कर दिया है ये डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कैसा एडजेक्टिव है डेमोनिस्ट्रेटिव तो चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा अच्छा बेटा अभिषेक अभिषेक सी टेट की कर लेते हैं क्लास सी टेट की पक्का हम कर लेंगे मेरे ध्यान रहेगी बात अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों सेवेंटी टू हमें कहता है ही हर्ट हिमसेल्फ उसने खुद को हर्ट कर लिया तो बताओ जरा ये हिमसेल्फ यहां पे क्या है रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रनाउन क्या आंसर करेंगे आप इसको ओके okay, बिल्कुल सही बात है ये सी आंसर बनेगा इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रनाउन ये रिफ्लेक्सिव प्रनाउन बनेगा बच्चों वेरी नाइस nice. 73 में आया है क्वेश्चन टोम एज वेल एज ब्राउन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स तो ये बच्चों एज वेल एज यहां पे है क्या एडवर्ब है एडजेक्टिव है प्रनाउन है या फिर ये कंजंक्शन का वर्क कर रहा है कैसा वर्क कर रहा है ये एज वेल एज यहां पे कैसा वर्क कर रहा है प्रनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब या फिर कंजंक्शन बहुत अच्छे बच्चों वेरी गुड वेरी नाइस एग्जैक्टली करेक्ट यह हमारा कंजंक्शन का फंक्शन करेगा क्यों करेगा कंजंक्शन क्योंकि ये टोम नंबर वन सब्जेक्ट और बच्चों ब्राउन नंबर टू इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ रहा है और सबको ये भी याद रहना चाहिए कि जब एज वेल एज सब बच्चे ध्यान से सुनो एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है अब देखो क्वालिफाइड या दोनों के लिए कॉमन बन गई लेकिन अगर कहीं ये होता टोम एज वेल एज ब्राउन आर गोइंग फॉर द फाइनल्स गलत इज गोइंग फॉर द फाइनल्स क्योंकि फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है ये भी सब बच्चों को पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर देखते हैं करेक्ट पंक्चुएशन आपको यहां पे देखना है पर ये क्राइड है बच्चों, सी आर आई डी -E इसको मान लेंगे सी आर -E D. Perhaps क्राइड ही देयर may बी सच monsters एज यू डिस्क्राइब है ना फिर देखो दूसरा perhaps, कॉमा क्राइड ही है ना There, अब देखो ये जो कॉमा है ये बच्चों नहीं आना चाहिए ये कौमा गलत है There may बी सच monsters एज यू डिस्क्राइब हेप्स क्राइड ही गलत हो गया क्राइड ही फिर से गलत हो गया अब बताओ कौन सा करेक्ट बना इनमें विच ऑफ दीज वुड बी बच्चों करेक्ट आपको यह बताना है आपसे बोले थे पीडीएफ के लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छा अच्छा रिचा बेटा ये ये मंडे में होगा काम मंडे में ये वर्क मंडे में होगा डी ओके ओके बच्चों, ए बनेगा ए यहां पे करेक्ट है बाकी सारे गलत हैं अगर बाकी तीन को देखेंगे तो दैट वुड बी रॉन्ग इट वुड बी द फर्स्ट वन दैट इज करेक्ट और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बनेगा सेवेंटी फाइव दैट आई एम ऑल दैट आई होप टू बी आई owe टू माई एंजल मदर ऑल दैट आई एम ऑल दैट आई होप टू बी आई owe टू या फिर थर्ड वन ऑल दैट आई एम तो बताओ बच्चों इनमें तीनों में से कौन सा हमारा सही बनेगा ए में फुल स्टॉप नहीं है अच्छा एक मिनट में देख लेता हूं अच्छा हां ए वाले में फुल स्टॉप नहीं है ओके 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 तो फिर तो इसमें बी से ही बैठेगा मतलब गलती गलती दो जगहों पे है इसको चेक किया जाएगा कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव में हमारा क्या होना चाहिए बस ये बताइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे सब बच्चे सेवेंटी फाइव में जया अर्चना मीनू गौरव जायरा श्वेता रिचा यासमी क्या होना चाहिए अच्छा सेवेंटी फाइव का ए मैक्सिमम बच्चे दे रहे हैं देखो अगर हम देखें तो बिल्कुल ए आंसर इसका होना चाहिए ए ऑल दैट आई एम ऑल दैट आई होप टू बी आई ओ टू माई एंजल मदर ठीक है ठीक है रिचा मुझे पता है इस बात का विल डू दैट बिल्कुल करेक्ट बच्चों आंसर हमारा ए जाएगा तो आज हम इतने क्वेश्चंस करते हैं कल फिर मिलेंगे और कोशिश करते हैं कि कल जिन बच्चों का सीटेट है उनकी भी आ, प्रैक्टिस कराएं तो आज इतना वर्क करते हैं बच्चों मिलते हैं अच्छा एक काम कर दिया करें सब बच्चे वीडियो है जैसे आपकी क्लास है इसको लाइक कर दिया करें शेयर कर लिया करें सब्सक्राइब कर लिया करें वो भी जरूरी होता है है ना उससे टीचर को मोटिवेशन मिलता है अच्छा करा स्पेलिंग तो वो इन्होंने गलत की है क्या है टाइपिस्ट ने हाँ स्पेलिंग की गलती उसमें बस ये थी ओके बच्चों ओके ठीक है जी थैंक यू एवरी वन है ग्रेट टाइम बब बाय गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग हमने अच्छा ठीक है ठीक है रिचा विल टेक केयर ऑफ दैट अच्छा लास्ट में बाहर है फुल स्टॉप ठीक है राधा मैं देख लूंगा इसको जया नोटिफिकेशन नहीं मिलता है बेटा आप इसको सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम को एड मोर क्वेश्चन ठीक है ठीक है तो ओवर करते हैं बच्चों अब यहां पे आज की क्लास को